ये डिजिटल युग है। कल का भारत कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम ई गवर्नेंस के क्षेत्र में डिजिटलीकरण का कितना और किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं। भारत में ई गवर्नेंस के मूल स्तंभ हैं पारदर्शिता, जवाबदेही, सुलभता। डिजिटल इंडिया 2020, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आने वाले समय में जब देश के कोने कोने तक तेज इंटरनेट पहुंच जाएगा, तब डिजिटल इंडिया न्यू इंडिया को नई शक्ति, नई पहचान देगा। माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के सपने ने भारत में ई गवर्नेंस को एक ऐसी उड़ान दी है जो भारत को सफलता के सातवें आसमान पर ले जाने में सहायक सिद्ध हुई है। बढ़ती तकनीक के साथ ई गवर्नेंस आज देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। नागरिकों के समय, श्रम और धन की बचत, दुर्गम क्षेत्रों तक विकास योजनाओं का पहुंचना, देश के ग्रामीण इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ना, ये सब ई गवर्नेंस के कारण ही संभव हो पाया है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हर वर्ष देश के एक राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के साथ मिलकर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। पिछले वर्ष ये सम्मेलन मेघालय राज्य सरकार के सहयोग से अगस्त महीने में शिलोंग में आयोजित किया गया था। इस वर्ष ये सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण और विभिन्न राज्यों के लगभग 800 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों और व्यवसायियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों को नए भारत के निर्माण हेतु विचार विमर्श के लिए एक मंच पर लाना है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है इंडिया 2020, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। भारत सरकार में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग अर्थात DARPG की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में आपका स्वागत है। हमें इस बात का गर्व भी है, हर्ष भी है कि हमारे विभाग की ओर से इस प्रकार का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की थीम को लेकर के ये 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का सम्मेलन रहेगा, जहां एक और डिजिटल माध्यमों से शासन प्रणाली में किस प्रकार सुधार किया जाए उस पर विचार होगा। वहां दूसरी ओर इस बात पर भी चर्चा होगी, विचारों का आदान प्रदान होगा कि किस प्रकार प्रशासन में अधिक से अधिक पारदर्शिता स्थापित की जाए, किस प्रकार अधिक से अधिक नागरिक भागीदारी हो। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस के क्षेत्र में विकसित हो रही आधुनिक तकनीकों को पहचान करके उनका प्रयोग करने की जिस प्रतिबद्धता थी ये विभाग काम कर रहा है, इस प्रकार के सम्मेलन से और यहां पर हुई चर्चा से उस प्रयास को बल मिलेगा। 2020 में हो रहे 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड्स के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों से 700 से अधिक आवेदन आए, जिनमें से 20 बेहतरीन उपलब्धियों को चुना गया। इन्हें 6 वर्गों में बांटा गया है। ये सभी प्रयास वो तकनीक और सॉफ्टवेयर हैं जिनसे देश के विकास में सहायता मिली है। डिजिटल इंडिया केवल एक तकनीक ही नहीं बल्कि एक सपना है जो विभिन्न संसाधनों के बीच तालमेल स्थापित करते हुए विकास के लिए प्रेरित करता है और 1 अरब से ज्यादा आबादी वाले राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोता है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग इन सभी प्रयासों की सराहना करता है।